देश की राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की मासूम के साथ हुए कथित रेप और हत्या के मामले को एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से कुछ समय पहले हुए उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की यादें ताजा कर दी, जिसे लेकर अब यहां पर भी जबरदस्त धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मासूम को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेसियों ने दिल्ली कैंट इलाके के प्रदर्शन स्थल से लेकर शमशान घाट तक कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जय किशन के नेतृत्व में लोगों ने मासूम की आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें कई सामाजिक संगठन और अलग अलग समाज के लोगों ने भी मासूम को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता जय किशन ने कहा कि मामले के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और 60 दिनों के अंदर मामले का निपटारा किया जाए। जब मामले में आरोपियों को फांसी की सजा नहीं हो जाती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांग है जब तक फांसी नहीं टूटेंगे, पुलिस इसको मुस्तैदी के साथ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में, दिल्ली चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की देखरेख में और पार्लियामेंट के जो शेड्यूल कास्ट हो गया हर एक पार्टी की सांसद की देखरेख में और जो है हमारे सामाजिक संगठन जो हैं उनकी देखरेख में न्यायपालिका में इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक फांसी नहीं टूटेंगे और करीब 60 दिन के अंदर ये सारा इसका फैसला आना चाहिए, ये हमारी भी मांग है। सब दलित समाज की जो संस्थाएं हैं उनकी मांग और कांग्रेस पार्टी की भी यही मांग। बहरहाल अब इस मामले की जांच एक कोर्ट जहां क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाने की बात कही गई, लेकिन इसके बाद भी इस मामले में राजनीति तेज होती दिख रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि मासूम और उसके माँ बाप को आखिरकार कब तक इंसाफ मिलेगा।